सिंगोली की हृदय विदारक घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय तत्काल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो वही 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिंगोली की हृदय विदारक घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों सिंगोली नीमच रोड पर सिंगोली के ग्राम बाड़दा निवासी कन्हैयालाल भील को कुछ लोगों ने मिलकर तड़पा तड़पा कर मार दिया था। वजह मामूली सड़क दुर्घटना थी। पीड़ित को पहले लातों घूसों से पीटा था, उसके बाद वाहन से बांधकर घसीटा, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना 26 अगस्त को हुई थी और इसका वीडियो 28 अगस्त को वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 5 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को नामजद किया था, जिसमें 3 लोग फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे जारी है। अभी तक इसमें 8 आरोपी चिन्हित हुए थे और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए लगभग घटनाक्रम के बाद से 2 से 3 दिन में सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूरे प्रकरण में विवेचना स्तर पर है और इसमें जल्द से जल्द हम लोग विवेचना पूर्ण करके चालानी कार्रवाई करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें ट्रायल करवाने का प्रयास करेंगे। जी, अभी इसमें 8 आरोपी चिन्हित हुए थे और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 आरोपी शुरू में गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन पर इनाम घोषित किया गया था और 8वां आरोपी धीरज धाकड़ की गिरफ्तारी के बाद ये पूरे प्रकरण में सभी चिन्हित आरोपियों का गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पूरा घटनाक्रम है वो सभी को अभी तक मालूम ही है और इसमें सुबह 5:30 बजे की घटना है, जहां पर चोरी की शंका में जो मुख्य आरोपी है उसने मृतक के साथ मारपीट शुरू की और उसके बाद अपने ससुराल और अपने गांव से और लोगों को बुलाया और उसके बाद जो मारपीट हुई है उस पूरे प्रकरण में उसी क्रम में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई है और उसमें 302 SC/ST की धाराएँ और 304 इन सभी सेक्शंस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो मुख्य आरोपी था वो सुबह अपने दूध पहुंचाने कहीं जा रहा था और उस समय जो मृतक था वो वहां पर रोड पर खड़ा था, अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था जो किसी कारण से घर से चली गई थी। उसने हाथ में एक पत्थर भी रखा हुआ था और गाड़ियों को रुकवा कर अपनी वाइफ का चेक कर रहा था। इस कारण से जब जो मुख्य आरोपी है वहां से गुजरा तो उसे लगा कि ये लूट या चोरी की आशंका से वहाँ पर खड़ा है और जो मृतक है उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है, जिस कारण भी चूंकि ये पड़ोस के गांव का ही है मुख्य आरोपी, तो उसे ऐसी आशंका हुई पूर्व से जानने के कारण कि हो सकता है किसी गलत कार्य के लिए वहाँ पर खड़ा है। बहरहाल, जो भी उसके कारण घटनाक्रम शुरू हुआ, उसके बाद जो मुख्य आरोपी है उसने अपने और परिवार जनों रिश्तेदारों को बुलाया और उसके बाद बर्बरतापूर्ण रूप से उसको गाड़ी से घसीट कर मारपीट किया, जिस क्रम में इसकी मृत्यु हुई है और उसमें प्रकरण कायम हुआ है। जैसा मैंने बताया कि जो मुख्य जो आरोपी है उसने पहले चोरी की आशंका से उसके साथ गाड़ी टकराया और उसके मारपीट की और उसके बाद जब उसने अन्य लोगों को बुलाया तो वो उसी बात पे उस पर डटे रहे कि ये चोरी की आशंका से है, तो उसको कबूल कराने के हिसाब से मारपीट की गई। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, वो बार बार उसको बोल रहे हैं कि कबूल कर ले, तो उन सभी की यही आशंका थी और चूंकि मृतक का कुछ क्रिमिनल पृष्ठभूमि भी रही है तो इस कारण से उनको उनकी आशंका और गहरा गई कि इसमें वहाँ पर कोई गलत कार्य से था, जबकि वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए वहाँ पर खड़ा था। ये जो 8 आरोपी हैं इसमें 2